गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड द पोएम कीपिंग क्वाइट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो ऑफ 12th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट, दिस इज द पोएम रिटन बाय पेब्लो नेरुडा। पेब्लो नेरुडा ने जो कीपिंग क्वाइट पोएम लिखी है उसका मतलब है शांत रहना। शांत रहना ऐसा क्यों चाहते हैं पेब्लो नेरुडा, ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे उनका जो आज की सिचुएशंस हैं, आज की जो कंडीशंस बन चुकी हैं उनको देखते हुए, कुछ फिलोसफिकल चीज़ों को देते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। एक्चुअली उनका मानना है कि जो ये संसार में मनुष्य आया है, इस मनुष्य को कुछ ऐसे वर्क करने चाहिए, कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे ये प्रकृति, जिनसे ये पूरा संसार, जिनसे पृथ्वी और बेहतर जीवन के लिए बन सके, तैयार हो सके। वो कहते हैं कि मनुष्य के प्रयास कुछ ऐसे होने चाहिए जिनसे ये प्रकृति को, जिससे इस पृथ्वी को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन दुखी होते हैं वो इस चीज़ को सोचकर, पेब्लो नेरुडा इस बात को सोचकर और ज़्यादा दुखी होते हैं कि जहाँ मनुष्य का सकारात्मक दिशा में प्रयास होना चाहिए वहीं मनुष्य के प्रयास नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, और जो भी मनुष्य या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उससे प्रकृति को नुकसान होता जा रहा है और ये पृथ्वी, ये संसार जीवन जीने लायक प्लेस नहीं रह जाएगा या नहीं रह चुका है। इसलिए वो चाहते हैं, कीपिंग क्वाइट पोएम के माध्यम से वो दर्शाना चाहते हैं कि हमें, अर्थात मनुष्य को, तीन चीज़ों पर मेनली फोकस ज़रूर करना चाहिए। और तीन चीज़ों में से सबसे पहले वो कहते हैं पीस। पीस का मतलब शांति, मतलब हमें शांति बनाए रखना चाहिए, एनवायरमेंट पीसफुल होना चाहिए, आपस में सामंजस्य बनना चाहिए। सेकंड थिंग है जिसको वो समझाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, सेकंड थिंग है इंट्रो इंस्पेक्शन। वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों में इतना बिजी है, इतना बिजी है, और लेकिन उसको यही पता नहीं है कि जो वो प्रयास कर रहा है, जो वो एफर्ट कर रहा है वो वास्तव में ठीक भी हैं या नहीं। उसे पता नहीं है कि वो जो भी प्रयास कर रहा है उनका रिजल्ट अच्छा है या गलत है। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रो इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। इंट्रो इंस्पेक्शन मतलब सेल्फ एनालाइजेशन करना चाहिए अपने कार्यों का, अपने विचारों का। थर्ड थिंग है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपस में तालमेल, आपस में तालमेल बनाना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सभी मनुष्य में। और सभी मनुष्यों का मतलब केवल एक पर्टिकुलर प्लेस की बात उसने नहीं की है, पेब्लो नेरुडा ने पूरे संसार भर को एक ही सोसाइटी, एक ही समाज मानते हुए बात की है कि हमें आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो वो ये मानते हैं कि यदि जो हमारे इतने सारे गलत कार्य हैं, यदि हम एक बार कुछ उनको सबको बंद करके बिल्कुल शांत होकर देखें तो शायद हम महसूस करेंगे कि हम एक बेटर संसार रख पाएंगे। जैसा वो मैंने पहले बताया था कि उनकी उम्मीद ये मानते हैं कि ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है वो इसलिए बनाया है कि वो इस पृथ्वी को और बेहतर बनाए, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि जो उल्टा होता जा रहा है इससे तो उन सारे प्रयासों को रोक दिया जाए तो भी ये संसार बेहतर बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन, कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा। लेट्स स्टार्ट नाउ। वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पेब्लो नेरुडा कहते हैं कि चलो हम 12 तक गिनते हैं और पूरी तरह से सब शांत हो जाएंगे। ठीक है, 12 तक गिनेंगे और 12 गिनने के बाद में सब कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। ठीक है, फॉर वंस, केवल एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, केवल एक समय के लिए, एक बार के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, कि कम से कम एक सेकेंड के लिए आओ हम बिल्कुल सब चीज़ बंद कर दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं का इतना ज़्यादा ना हिलाएं। वैसे तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात रखी है, लेकिन इनका वास्तव में अर्थ, फिलोसफिकल अर्थ यही है कि हम एक समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, जो भी हमारे गलत कार्य हैं या एक दूसरे से कड़वा हम बोलते हैं या गलत दूसरों को बोलते हैं उसको हम कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत कर लें। आगे देखें, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, यह एक अजीब मोमेंट, अजीब पल होंगे।
सोचेंगे कि अगर सभी लोग बोलना बंद करते हैं और एक समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये एक अजीब क्षण, अजीब पल होंगे। विदाउट रश का मतलब बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स बिना किसी इंजन्स के, इंजन्स का मतलब यहाँ पर इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ या मशीनों की, मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल, इंजन बंद हो जाएंगे, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, मशीनें बंद हो जाएंगी, तो बिल्कुल शांति हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग साथ साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक अजीबपन में हम सब लोग साथ साथ रहेंगे और इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अब अगर सब लोग शांत हो जाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में ये बताते हैं, देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, फिशरमैन मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके प्रति, इनके इस लाइन को बोलने का मतलब पेब्लो नरूडा का यही है कि वो कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य एक्वेटिक लाइफ को, मीन्स जो जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो लोग शांत हो जाएं तो ये जो जलीय जीवन है वो बच जाएगा, वो सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है वो बच सकता है। आगे देखेंगे, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और सॉल्ट इकट्ठा, नमक इकट्ठा करने वाला मनुष्य वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वह अपने घायल हुए हाथों को देखेगा। इस लाइन का कहने का मतलब ये है, इसका एक यूनिवर्सल मीनिंग वो निकालते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्क करने के बाद वो तब अपना बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी चला पाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि यदि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेहनत करके अपने आप को परेशान करते हैं, यदि वो लोग भी बात काम करना बंद कर दें, काम करना बंद कर देने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन लोगों के लिए भी कुछ ईजी वर्क हो जाए और डिफ़िकल्ट कार्य को बंद कर दें। तो वैसे तो उन्होंने इसका शाब्दिक अर्थ यही दिया है कि अपने नमक इकट्ठा करने वाले लोग अपने हाथों को, अपने घायल हाथों को देखेंगे, ठीक है, कि उनको भी एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि हम Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो कहना चाहता है, पोइट इस लाइनों में कहना चाहता है कि वो लोग जो लोग ग्रीन वार की तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर कह सकते हैं ऐसे वॉर जो प्रकृति के खिलाफ लड़े जाते हैं, जैसे वनों को काटना और पेड़ों को काटना या वहाँ पर कुछ और अलग चीज़ें स्थापित करना, मिस ग्रीन वॉर के लिए तैयार होते हैं। वॉर्स विद गैस, कुछ ऐसे युद्ध जो गैस से लड़े जाते हैं उनकी तैयारी करते हैं। वॉर्स विद फायर, जो आग से लड़ने की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ऐसी विजय की तैयारी करते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता, अर्थात कोई जीवित नहीं बचता। जैसा कि आज की कंडीशंस बन गई हैं, लोग परमाणु बम या बहुत बड़े आर्म्स हथियारों से लड़ाई करते हैं, तो ऐसे उनमें क्या है, ऐसी जो युद्ध की तैयारी करते हैं इनमें किसी के पास कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। तो वो कहना चाहते हैं कि ऐसा जो युद्ध करने वाले लोग हैं, यदि वो अपने इन सारे कामों को बंद कर दें, कुछ समय के लिए रोक दें, तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो ये अपने सारे का ऐसे युद्ध की रोक कर वो सब साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ घूमेंगे इन द शेड छाया में डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए, मीन्स खाली घूमेंगे। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो युद्ध करने वाले लोग हैं, यदि उनको युद्ध को बंद कर दिया जाए तो जो जिनको वो अपने शत्रु मानते हैं वो वास्तव में उनके शत्रु नहीं हैं, बल्कि उनके खुद के अपने भाई हैं। क्योंकि उनका, पेब्लो नरूडा का मानना है कि ये जो सारा संसार है, इस सारे संसार के लोग हम आपस में भाई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, जो पेब्लो नरूडा कहते हैं कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के लिए वो बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं शांत रहने की बात कहता हूँ, उसका मतलब आप टोटल इनएक्टिविटी से मत लगा लेना, का मतलब मेरे शांत रहना का जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो,
लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, ये जीवन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, शांत रहने का मेरा मतलब कोई मृत्यु से जोड़ना नहीं है, यानी मैं इस शांत रहने वाली बात को जो कह रहा हूँ उसका मतलब मृत्यु नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए रुकें, जीवन में रुकें और अपना इंट्रोस्पेक्शन करें शांत रहकर, ना कि पूरी तरह से प्रकृति खत्म हो जाए, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। आगे देखेंगे, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ समय के लिए रुकने के बारे में सिंगल माइंडेड नहीं हो पाते हैं, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटेनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। तो हमें अपने आप को न समझने की जो हमारी दुखद भावनाएं हैं, या मृत्यु के साथ अपने आप को जो थ्रेटेन करने की जो हमारी दुखद भावनाएं हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं ह्यूज साइलेंस आ सकती है, ह्यूज साइलेंस का इंटरफेयर इंटरप्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्यों कहता है, क्योंकि यदि हम एक बार रुक कर अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, तो जो हमारे अंदर ये दुखद भावना है कि हम अपने आप को एनालाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस दुखद भावना में कंप्लीट साइलेंस हो सकती है। का मतलब, यदि ये युद्ध करने वाले लोग लगातार लड़ते रहे और कभी किसी कंट्री ने कोई परमाणु बम या इस तरह से गिरा कर पूरी तरह से शांति पूरी तरीके से खत्म सब कुछ ख़त्म कर सकता है, तो इस तरह से कंप्लीट साइलेंस आ सकती है, वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद ये पृथ्वी हमें ये बात सिखा सकती है कि प्रत्येक चीज़ जो एक बार मृत सी महसूस होती है, जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल मर गई है, वो बाद में जीवित सिद्ध होती है, और ये बात हमें केवल पृथ्वी ही सिखा सकती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।